ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा करके उन दोनों से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम आपस में सवाल करते हो, और रिश्ते तोड़ने से डरो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत यानी बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, जब तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी ज़ात की हिफाजत करे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो अपने महबूब बंदों को बेटियों से नवाजता है। इसीलिए इस्लाम में औरत का मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, और इस्लाम ने औरत को वो हक दिए जो दुनिया में और किसी मजहब ने उसे इतने हक नहीं दिए। मेरे दोस्तों, कोई शख्स मनहूस नहीं होता, बल्कि उसके किए हुए गुनाहों की वजह से उस पर नहूसतें आती है, मुसीबतें आती है, मनहूसियत छा जाती है। दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली रदी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सता ये है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरतों का फितरी मकाम उसका घर है, जहाँ वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। प्यारे दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियाँ बताने जा रहे हैं, जिन खूबियों से औरत का किरदार मजीद मुजयन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि औरत की वो दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस होती है। इस हवाले से हम आपको हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हज़रत अली का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेरे खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस ये इंसान के आमाल ही होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा, या अली वो कौन से काम हैं? हज़रत इमाम अली ने फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में दो ऐब पाए जाए। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो नहस आदतें हैं जो किसी भी औरत में होगी, वो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद करती है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक है गीबत करना और दूसरा है झूठ बोलना, ये दो काम औरतों को नहीं करने चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपके लिए
नेक औरतों की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शोहर की फरमाबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार है और खावंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में अपने मालो आबरू की हिफाजत करने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आपने फरमाया, वो औरत कि जब शोहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे और जब शोहर उसे हुक्म दे तो उसकी अतात करे और अपने जानो माल में शोहर का नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालफत ना करे। औरत की मोहब्बत और इसके अतात में सबसे ज़्यादा हकदार उसका शोहर है। उसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की नहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है, लेकिन शरीयत ने शोहर का मकाम और मर्तबा वाजेह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जों में मैं मोहम्मद की जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शोहर का हक अदा ना करे, हत्ता कि जब शोहर उसे बुलाए और वो अगर सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके, शोहर के पास जाए। सही हदीस में है कि जिस शोहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है तो जन्नत की हूरे उसे बद्दुआ देती है। प्यारे दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी ये भी है कि सत्रो हिजाज की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम के खसूसियात और इसके महासन में से है। पर्दे में औरत की इज्जत की हिफाजत है, पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों को बेश कीमती करार दिया है, इसीलिए इसकी हिफाजत और ज़ियानत का खसूसी एहतमाम किया गया है। ज़माना जाहिलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था, पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहाँ पर हम अपने बहनों को ये बात बताते चले कि शोहर की इताअत कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शोहर की इजाज़त हासिल करो। चंद हदीस आपके लिए अर्ज करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शोहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा भी ना रखे। इसी तरह औरतों के लिए हुक्म है कि शोहर की इजाज़त के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दे, क्योंकि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इसमें तीसरा शैतान होता है। इसी तरह एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी गैर औरत या अजनबी औरत के पास उसके शोहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना बैठे। प्यारे दोस्तों, औरत की आवाज़ भी पर्दा है, वो अजनबी मर्द से इन शराइत के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त ये है कि आवाज़ में लचक, शेरिनी और मिठास ना हो। दूसरी शर्त, सिर्फ बाकदरे ज़रूरत बात करे, जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करे। तीसरी शर्त, पर्दे की ओट से बात करें। इसी तरह शोहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करें, किसी गैर औरत से बिला वजह बात ना करें। अल्लाह पाक तमाम बहनों के घरों को आबाद करें, अल्लाह पाक उनके शोहरों को नेक और फरमाबरदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में